Hello everyone, once again most welcome in this YouTube channel. आज हम explain करने वाले हैं class 12 flamingo book का second chapter lost spring का next part. इसका heading है I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic. He announces. Mukesh कहता है मैं एक motor mechanic बनना चाहता हूँ. मैं एक motor mechanic बनूँगा. Do you know anything about cars? I ask. लेखिका पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो. I will learn to drive a car. He answers. वो आंसर करता है मैं सीख लूंगा. Looking straight into my eyes. वो लेखिका की आंखों में आंखें मिलाते हुए means full confidence के साथ कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of a streets that fill his town Firozabad. और उसका his dreams looms like a mirage. मुकेश का dreams जो है स्वप्न ऐसा लगता है जो मानो एक मिराज हो. मिराज कहने का मतलब एक भ्रम हो. means हम कह सकते हैं मृग तृष्णा. जैसा कि हम रेगिस्तान में देखते हैं तो दूर से लगता है कि वहाँ पे पानी है लेकिन जब सामने में जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है. ठीक उसी प्रकार फिरोजाबाद में मुकेश जैसे लड़का के लिए कार चलाना कार ड्राइव करना एक मिराज के जैसा है एक भ्रम के जैसा है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. और फिरोजाबाद जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए चूड़ियों के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. और फिरोजाबाद के जितना भी फैमिली है सभी चूड़ियां बनाने में एंगेज रहते हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जेनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस. और फिरोजाबाद के हर एक जेनरेशन मीन्स यहाँ क्या परंपरा है कि लोग चूड़िया बनाने का ही काम करते हैं. उन लोगों के लिए यह एक प्रोफेशन है व्यवसाय है. वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. ऐसा लगता है कि लैंड के जितने भी महिलाएं हैं सभी लोगों के लिए बैंगल्स मीन्स चूड़िया यहीं से बन करके जाती है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से में एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. और इनमें से कोई भी नहीं जानता है कि यह एक illegal है means एक अन्याय काम है बच्चों के लिए. Work in the glass furnaces with high temperature में भट्टे के सामने बच्चों से चूड़िया बनाने का काम करवाना यह एक illegal है. In dingy cells without air and light. और अंधेरे कमरा में जहाँ की ना प्रॉपर लाइट का व्यवस्था है और ना ही वहाँ पे हवा जा पाता है अच्छे से. दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोक देयर आईलेट आवर्स. और यदि इस कानून को लागू कर दिया जाए कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस तो इन 20,000 बच्चों को इससे आजादी मिल जाएगी. वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स जहाँ पे वे अपना अधिकतर समय बिताते हैं. ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज और वे लोग अपने आंखों की चमक भी खो देते हैं इस अंधेरे कमरे में काम करते करते. मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड. मुकेश जब लेखिका को अपने घर ले जाने का बात करता है तो उसके आंखों में काफी चमक आ जाती है. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड और वह बहुत ही गर्व के साथ प्राउड के साथ कहता है कि उसका घर जो है वो हाल ही में नया नया बना हुआ है. वी वॉक डाउन अ स्ट्राइकिंग लेंस चौक विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्लम्बिंग वॉल्स वॉबली डोर्स. जब लेखिका पास करती है उसके स्ट्रिंकिंग लेंस चौक विद गार्बेज तो वहां पे देखती है कि कूड़ों का काफी जमघट लगा हुआ है. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स और वहां पे
जो वॉल्स है वो क्रम्बलिंग है, काफी कमजोर है, वॉबली डोर्स, नो विंडोज जिसमें कोई भी खिड़की नहीं है, क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट, और उसमें घर के मेंबर और एनिमल्स सभी एक साथ रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम प्रेमेबल स्टेट में आ गए हैं। प्रेमेबल स्टेट कहने का मतलब प्राचीन काल में आ गए, एंसेंट टाइम में आ गए। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह इसी प्रकार के एक घर के सामने में रुकता है। बैंक्स एट वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे वह धक्का देता है, वह खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल स्नेक एट वन पार्ट ऑफ इट थेस्ट विथ डेड ग्रास, जिसमें आधे भाग में ग्रास रखा हुआ था, घास रखा हुआ था। इज अ फायरवुड स्टॉप ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लिप्स, और दूसरे तरफ एक चूल्हा था जिसमें से पालक साग बन रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड में एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कटे हुए सब्जियां रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक फ्रेल यंग वुमन थी, फ्रेल कहने का मतलब वीक, जो कि पूरे परिवार के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए इवनिंग मील मीन्स खाना बना रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, उसका आंख पूरा धुआं से भरा हुआ था, उसके बावजूद वह स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह मुकेश के बड़े भैया की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह हालांकि एज में ज्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसके बावजूद भी वह कमांड पाती थी बहू की। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ, मीन्स कि वह घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, और वह तीन मैन को संभालती थी, हर हस्बैंड अपने पति को, मुकेश को एंड देयर फादर, और उसके पिताजी को। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face. और जब कभी when the older man enters, जब बड़े आदमी उसके घर में प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, तो वह टूटे हुए दीवार के पीछे जाके छिप जाती है। and bring her veil closer to her face, और घूंघट से अपने चेहरे को कवर कर लेती है, मीन्स ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, और ऐसा कस्टम डिमांड मीन्स परंपरा था, रीति रिवाज था, कि जब कोई मेल पर्सन आए तो महिलाएं जो है घूंघट से अपने फेस को कवर कर लेती थी। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बेंगल मेकर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, और इसके पिताजी पहले टेलर थे, उसके बाद में बेंगल मेकर बने। कौन? तो मुकेश के फादर। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज बेंगल मेकर, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और इतना कुछ होने के बावजूद भी वह एक अच्छा घर बनाने में फेल हो गए हैं। सेंड हिज टू सन्स टू अ स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को भी वह स्कूल भेजने में भी फेल हो गए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वह जो कुछ भी जानता था वह अपने बच्चों को पढ़ाया, मीन्स द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मीन्स वह क्या सिखाया अपने बच्चों को, चूड़ियां बनाना सिखाया। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है इट इज हिज करम, या इन लोगों का करम है, हिज डेस्टिनी या इसका भाग्य है, हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिन्होंने अपने हस्बैंड
का आंखों का रोशनी जाते हुए देखी। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। चूंकि भट्ठे में लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं था और बहुत ज्यादा गर्मी था और ये लोग दिन का अधिकांश समय वहीं पे बिताते थे, जिसके वजह से इन लोग बहुत जल्द अंधे हो जाते थे, वैसा इसकी ग्रैंड मदर कह रही है। कैन अ गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। और कह रही है कि चूंकि उसका जन्म एक बेंगल मेकर्स के कास्ट में हुआ था तो वह कुछ भी नहीं देखी सिवाय चूड़िया बनाने के। इन द हाउस इन द यार्ड इन द एवरी कॉर्नर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। घर में चूड़ी, आंगन में चूड़ी, इन एवरी अदर हाउस सभी के घरों में चूड़ी, एवरी अदर यार्ड हर जगह चूड़ी ही चूड़ी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद के हर गलियों में सिर्फ चूड़ी ही चूड़ी दिखाई देता था। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, अब बेंगल्स का यहाँ पे वैरायटी दिखाया जा रहा है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो। और रेनबो का जितना भी कलर होता है सभी कलर का यहाँ पे चूड़ियाँ मिल जाती थी, और यहाँ तक कि उन सेवन कलर का मिक्सिंग करने के बाद भी जो कलर बन सके वैसा कलर का भी चूड़ियाँ यहाँ पे उपलब्ध थी। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्पियर्स, और यह चूड़ियां यार्ड में रखा हुआ था बिना प्रॉपर वे का, मीन्स बिना सजाए हुए, आर पाइल ऑन फोर व्हील हैंड कार्ट्स। और इन चूड़ियों को एक हैंड कार्ट्स में ठेला में लाद दिया जाता है, पुश्ड बाय यंग मैन, जिसे एक यंग मैन पुश करता है अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द सेंटी टाउन, इस शहर के संकरी गलियों में। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स, और उस अंधेरे झोपड़ी में एक लैम्प चल रहा है। सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जिसके बगल में एक बॉयज और गर्ल्स बैठे हुए हैं अपने माँ पिताजी के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, जो लोग सर्कल बना रहे हैं बेंगल्स का। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उन लोगों का जो आंखें हैं, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उन लोगों की आंखें डार्क में ज्यादा एडजस्ट हो पाते हैं कंपैरिजन में लाइट का, क्योंकि वे लोग अधिकतर समय कम लाइट में बिताते हैं, अंधेरे में बिताते हैं, जिसके वजह से उन लोगों का आंख जो है वो अंधेरे में ही एडजस्ट हो गया है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, यही वजह है कि वे लोग एडल्ट होने के पहले ही अपने आंखों की रोशनी चमक खो देते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, अब नेक्स्ट सविता है, एक यंग गर्ल है जो कि पिंक ड्रेस पहनी हुई है, और उसका ड्रेस कैसा है, ड्रेप है। ड्रेप कहने का मतलब उसके ड्रेस का कलर जा चुका है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, जो कि एक महिला, एक वृद्ध महिला के बगल में साथ में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मशीनली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प मेक। अब बूढ़ी औरत कह रही है, एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, उसका हाथ ऐसे मूव करता है जैसे मानो कि या कोई मशीन का एक पार्ट हो। आई वंडर इफ सी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल सी हेल्प मेक, वह महिला आश्चर्य हो जाती कि यदि इसे इस चूड़ी की पवित्रता मालूम पड़ेगा तो शायद यह मेरी हेल्प करेगी। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, या जो चूड़ी है या इंडियन वुमन का सुहाग को सिंबलाइज करता है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, जिसे कि शादी विवाह में ऑस्पिशियसनेस माना जाता है, मीन्स शुभ माना जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ अ रेड वेल, और वह कह रही से तब पता चलेगा जब इसका सर घूंघट से ढक जाएगा, मीन्स इसका सर घूंघट से कवर हो जाएगा। हर हैंड्स डाइट रेड विथ हैना,
और इसके हाथ में जब मेहंदी लगाया जाएगा एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट और जब इसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां पहनाई जाएगी, सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वह क्या बन जाएगी, एक ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैन इयर्स अगो, उसी ओल्ड वुमन मीन्स वृद्ध महिला के जैसा जो कि काफी साल पहले दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उनके कलाइयों में चूड़ी है, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वह बूढ़ी औरत कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, के दुख भरी स्वर में। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वह कहते कि अपने एंटायर लाइफ टाइम में मीन्स पूरा जिंदगी में एक वक्त भी शेर भर खाना नहीं खाया, सही से पेट भर खाना नहीं खाया। That's what she has ripped her husband an old man with a flowing beard said, उसका हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन है, उसके दाढ़ी काफी बढ़ चुका है। I know nothing except bangles, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़िया बनाने का। All I have done is make a house for the family to live in, मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर पाया कि अपने फैमिली के रहने के लिए एक घर बना पाया, इसके सिवाय पूरा लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज असीव व्हाट मैन हैव फेल्ट इन देयर लाइफ टाइम, इनके बातों को सुन करके ऐसा लगता है, हियरिंग हिम वन वंडर, कि इन्होंने तो इतना भी कुछ कर लिया, बहुत कोई तो इतना भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे कम से कम एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और यह जो cry है, जो रोना है, जो चिल्लाना है, not having money to do anything except carry on the business of making bangles, कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं, इतना पूंजी नहीं है कि ये लोग चूड़ी बनाने के सिवाय दूसरा कोई और काम सोच सके, और ना ही इन लोगों के पास Enough to eat, पर्याप्त खाने के लिए भोजन है, rings in every home, यह रोना सिर्फ मुकेश के घर का नहीं है बल्कि फिरोजाबाद के हर परिवार के लिए है कि इन लोगों के पास इतना पूंजी नहीं है कि इन लोग चूड़ी बनाने के सिवाय कुछ दूसरा भी बिजनेस के बारे में सोच सके। The young man echo the lament of the elders, little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद, years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, और इस स्थिति में इन लोगों का स्थिति इतना दर्दनाक है कि ये लोग अपना सपना देखने का भी क्षमता खो चुके हैं। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trap their fathers and forefathers. लेखिका कहती है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ्स इनटू अ कोऑपरेटिव, आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं। आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल्स ऑफ मिडलमैन, जो कि एक मिडलमैन के चंगुल में फंस चुके थे। हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पिताजी, उनके दादा परदादा सभी लोग इस जाल में फंस चुके थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज We are the ones who will be held up by the police. कहता यदि हम लोग यह ऑर्गेनाइज कर भी दें तो हम लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाएंगे, beaten and dragged to jail for doing something illegal. और हम लोग पुलिस के द्वारा पीटे भी जाएंगे और घसीट करके जेल भी ले जाए जाएंगे इस आरोप में कि हम लोग कोई इलीगल काम कर रहे हैं। They say, वैसा उन लोगों का ओपिनियन, वैसा वे लोग कहते हैं। There is no leader among them. इन लोगों के बीच में कोई लीडर भी नहीं है। No one who could help them see things differently. और इन लोगों के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जो कि इन लोगों का हेल्प करे, और ना ही इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डिफरेंट सोच सके, इन लोगों का माइंड थिंकिंग पावर
मेंटालिटी सारा कुछ नैरो हो गया है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और इन लोग के फादर जितना थके हुए हैं उतना ये लोग भी थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ये लोग एंडलेसली टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अपेथी के बारे में, ग्रीड के बारे में और इनजस्टिस के बारे में। मीन्स पॉवर्टी बोले तो गरीबी के बारे में, अपेथी बोले तो दयनीयता के बारे में, ग्रीड लालच एंड इनजस्टिस अन्याय। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, इन लोगों के बातों को सुन करके दो तरह के दुनिया यहाँ पे दिखाई देते हैं। फर्स्ट, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ केस इन विच दे आर बॉर्न। पहला तो यह कि इन लोग कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के चंगुल में, गरीबी के जाल में ये लोग फंस चुके हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, कि ये लोग जिस जाति में, जिस ये में जन्म लिए हैं वह इन लोगों के लिए एक स्टिग्मा है, एक कलंक है। द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा जो वो है साहूकार का, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, एक जो वर्ल्ड है वो इन लोगों का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन लोगों के सर पे, इन बच्चों के सर पे बैगेज कहने का मतलब बर्डन, इतना बर्डन, इतना बोझ लाद दिया गया है कि चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे ये बच्चे कभी उतार नहीं सकते, इस बोझ से कभी वे लोग उबर नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली एज हिज फादर, और इससे पहले कि ये लोग इस चीज से अवेयर हो, ये लोग ही एक्सेप्ट इट इज नेचुरली, ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नेचुरल है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इन चीजों से हट करके कुछ करना समझो कि बहुत डेयर, बहुत साहस की जरूरत है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और डेयरिंग इन लोगों को ग्रोविंग अप का कोई पार्ट नहीं है। इन लोग बचपन से डेयर का मतलब समझा ही नहीं है, इन लोग चंगुल के जाल में फंसे हुए हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और लेखिका जब मुकेश की आंखों में यह चमक देखती है तो लेखिका खुश हो जाती है कि चलो कम से कम मुकेश में तो इतना साहस है कि वह कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह रिपीट करता है, बार बार कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वह कहता है कि मैं गैरेज जाऊंगा और मैं सीख लूंगा मोटर मैकेनिक, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफी दूर में है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह कहता है मैं पैदल जाऊंगा और मैं मोटर मैकेनिक सीख जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, जब लेखिका कहते क्या तुम जहाज उड़ाने के बारे में भी सोच रहे हो, तो वह साइलेंट हो जाता है, कहता नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह ग्राउंड की ओर देखते हुए कहता है नहीं नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और उसके ये स्मॉल मर्मर मीन्स वो जो बुदबुदा रहा था उसमें कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी दिख रही थी। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि रिग्रेट में नहीं बदला था, अफसोस में नहीं बदला था। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह अपने कार का जो उसका स्वप्न था उसी में वह सेटिस्फाई था। कंटेंट करने का मतलब सेटिस्फाई, वो अपने कार के दुनिया में ही सेटिस्फाई था। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, जो कि वह अपने टाउन में देखता था, और चूंकि उसके टाउन से बहुत कम एरोप्लेन फ्लाई करता था, उड़ता था, शायद इसके वजह से उनके मन में जहाज उड़ाने का सपना नहीं आ पाया होगा। थैंक यू, तो यही था इसका स्टोरी।
आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।